भर मेहनत के बाद किसान रास्ता देखता है कि उसकी फसल तैयार हो जाएगी, वो तमाम अपने खर्चे निपटाने की सोचता है। इस समय मैं रामपुर ज़िले में हूँ। बारिश का तो आपको पता ही है, जो बारिश हुई है किसानों पर मुसीबत बनकर बरसी है। यहाँ पर उड़द की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। 20% किसान आसपास के इलाकों में, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दीनपुर गांव है ये, यहाँ के आसपास के गांव में 20% किसान लगभग उड़द की खेती करते हैं। आपको बता दें कि जो बारिश हुई है उससे 50% उड़द की खेती में नुकसान बता रहे हैं यहाँ के किसान। नुकसान क्या हो गया? नुकसान यही हो गया कि उसको काट के हटे और दूसरे दिन को बारिश पड़ना शुरू हो गई, खराब हो गया। और खराब हो गया, अब ये सब इसमें दाना सब कुछ जम गया, कुछ गल गया, ऐसी हो गया। अब ये डंडा लेके क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? डंडा लेके अब ये कर रहे हैं कि इसे कुरेद रहे हैं, शायद कोई थोड़ा बहुत दाना हत्या आ ही जाए। पानी पड़ने के बाद इसमें मतलब फली कैसे नष्ट होती है, जम जाती है, क्या होती जाती है? जम जब जमीन से छूती है ना मिट्टी से, तो ये हाल रहता है, मिट्टी छूती है तो ये बेकार हो गया। जब सिर्फ जम गया, देखिए ये सब, ये सब दाना का जो दाना होता है, कीड़ा सब खा लेता है। देखो इसमें 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 देखिए फली पूरी दिख रही है, अब इसमें देखिए कुछ नहीं निकलेगा। और हमने इसको देखिए, ये देखिए क्या निकला, इसमें फफूंद है, फफूंद है, दाना एक भी नहीं है। देखो फफूंद है, एक दाना नहीं, सब सड़ गया दाना, ये सब सड़ गया, सड़ गया दाना, सब फफूंद आ गई, तो ये निकलेगा ही नहीं मशीन में। तो ये बताइए, जैसे कि जो फसल खराब होती है तो इसका एक बीमा भी होता है, क्या आपने बीमा कराया है? हाँ कराया है। कैसे कराया बीमा? बैंक से हमने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है, उसमें फसल बीमा कटता है। जब ब्याज लगता है बैंक का तो उसी समय वो ब्याज के उसके फसल बीमा का पैसा भी काट लेते हैं। कितना पैसा काटते हैं? वो तो उनका बैंक का सिस्टम समझ भी नहीं आया आज तक कि किस हिसाब से काटते हैं पैसे। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा है तो वो कहते हैं कि हाँ फसल बीमा कट गया, ऐसे ही टाल देते हैं, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती सही। लोन जमा करने जाएंगे तो बता देते हैं इतने रुपये आपके ब्याज के हुए, इतने आपने लिए और इतने फसल बीमा आगे कट गए। कितना नुकसान हुआ है इसमें? इसका ये समझ लो, अगर कुंटल बीघे का लिखा था तो आप तो 5 किलो बीघे का भी नहीं लिख रहेगा, 10 किलो बीघे का मुश्किल से लिख रहेगा। वो फरी आड़ में रह गई है तो वो रह गई है पत्ते की, बाकी तो सब ये झड़ गया। जो नुकसान होने के बाद में, जैसे कि आप फसल बोते हैं तो पैसा कहाँ से लाते हैं बोने के लिए? अरे साहब कर्जा लिया था 1 लाख रुपए का, झूठ तो बोलते नहीं हैं। अब उसके सूद लगा के कम से कम भी 1.5 लाख होगा, कहाँ से जमा करें? आप तो सोच रहे थे थोड़े बहुत कर देंगे, तो वो फसल बीमा ही गई। अच्छा जो फसल बीमा कराया है वो कौन सा बीमा कराया, मतलब कोई बैंक वाले बताते ही नहीं है? हाँ। तो किस कंपनी से बीमा कराया, किसने? वो अपने आप हमसे पैसा काट लेते हैं और बस कह रहे फसल बीमा होगी और पैसा हमारे खाते से काट देते हैं। लगभग कितने प्रतिशत किसान हम मान ले, क्योंकि मैं कई इलाकों में गया तो थोड़ी बहुत उड़द की फसल लगभग सारे किसान जो है बो लेते हैं, संख्या कम है, तो 15 या 20% किसान माने जाए जो इससे जुड़े हुए? नहीं 15, ये आप इधर गए होंगे मुझे लग रहा बहुत कम लोग रहते हैं, 15-20 भी नहीं होंगे, 5-7% लोग ही वो। जी मतलब कम है इधर साइड में थोड़ा बोल देते हैं और तो बहुत कम नाम मात्र का भी होते हैं। रामपुर तहसील में भी सर इनकी संख्या है किसानों की उड़द की? नहीं है तो सब में, मतलब सब जगह है, थोड़े किसान है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे जनपद में कुछ खाने के लिए करते हैं, सावाद वगैरह बेचने के लिए भी करते हैं, मतलब जहाँ ऊंचे की जमीन है, रेतीली जमीन है उसमें कर लेते हैं। अच्छा सर, जो नुकसान हुआ है तो क्या उसके मतलब उसके लिए कुछ है, मतलब उसके तो आप सामने जिन लोगों ने बीमा करा रखा हो उनको बीमा के रूप से मुआवजा मिलेगा, जिनने बीमा नहीं कराया है नहीं, आपदा राहत से जो चल रहा है जो भी होगा सर्वे तहसीलों के द्वारा उससे राहत जो भी होगी धनराशि वहाँ। जो नुकसान हुआ है इसके बाद कोई पटवारी कोई कुछ आए हैं? कोई नहीं आता भैया, क्या करेंगे आगे, कुछ किसान को कुछ मिलना नहीं है, वो बेचारा आएगा घूम के जाएगा, रिपोर्ट डाल, कुछ नहीं होता। इधर आइए।